अगर आप करते हैं सच्चा प्यार और पाना चाहते हैं अपनी प्रेमिका को हमेशा के लिए, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। और ये बेहद, दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे वशीकरण के चैनल में। आज मैं आपको बताने चाह रही हूँ कि कैसे आप अपने प्रेमी को, अपनी प्रेमिका को बना सकते हैं अपना जीवन साथी। अगर आप करते हैं सच्चा प्यार और पाना चाहते हैं अपनी प्रेमिका को हमेशा के लिए, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। और ये बेहद छोटा सा उपाय है जिसमें आपको किसी भी सामग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इसे किसी भी रात में आप इसे कर सकते हैं। और इसका एक और फ़ायदा है दोस्तों कि इसे करते समय आपको अगर कोई देख भी ले तो उसे पता नहीं चल पाएगा कि आप इसे कर रहे हैं। तो आप इसे किसी भी समय कर सकते हैं, मतलब घर में बैठे बैठे आप इसे कर सकते हैं और इसका आपको तुरंत असर देखने को मिलेगा। मतलब अगर आपकी प्रेमिका आपसे नाराज़ है या आपका रूठा हुआ प्यार आपसे दूर चला गया है, आपका पुराना प्रेमी आपकी लाइफ से दूर चला गया है, या फिर आपके पति हैं जो आपकी बात नहीं सुनते हैं, या आपकी पत्नी है, तो ये कोई भी इस उपाय को कर सकता है। ये उपाय सबके लिए बहुत ही अच्छे से कारगर है, बहुत अच्छे से काम करता है। इसमें दोस्तों क्या करना है मैं आपको बताती हूँ, आप हमारे वीडियो को ध्यान से देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे जो नए वीडियोस आएंगे उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका जो पैर है, पैर का जो तलवा है, यानी कि पैर का जो नीचे वाला पार्ट होता है, वहाँ पर आपको लिखना है अपनी प्रेमिका का या फिर अपने प्रेमी का, जिस भी व्यक्ति पर आप इस वशीकरण को कर रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से मैं बनाती हूँ अभी आपका पैर, तो बस आपको करना ये है कि जो नीचे का पार्ट होता है, जो पैर का जो तलवा होता है, ये ऊपर वाला पार्ट, यहाँ पर आपको अपनी प्रेमिका का नाम इस तरह से लिख देना है। और उसके बाद ये आपको ऊपर नहीं लिखना है, ये आपको पैर के तलवे पर लिखना है। जैसे कि ये हाथ की हथेली होती है, उसी तरह से पैर का जो तलवा होता है वहाँ पर आपको ये नाम लिखना है। और उसके बाद आपको पैर अपना, एक पैर के साथ में नाम लिखने के तुरंत बाद आपको एक मंत्र लिखना होगा, जो कि बहुत ही आसान मंत्र है। मंत्र है ओम त्रीम वश्य। तो आपको यहाँ पर ओम त्रीम वश्य, जो भी आपकी प्रेमिका या प्रेमी का नाम है, वश्य के आगे आपको उनका नाम इस तरह से लिख देना है। देख सकते हैं आप कि मैंने सबसे पहला काम जो करना है तलवे पर नाम लिखना है, उसके बाद आपको ये मंत्र, आप इस मंत्र को एक कागज़ पर लिख कर रख लीजिए, ओम त्रीम वश्य निकिता। तो निकिता वर्ड जो है या ये जो नाम है ये लास्ट में आएगा, और उसके बाद आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है 108 बार। और आप इसे 108 बार कर रहे हैं, आपको ज़ोर से बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप मन के अंदर ही इसका उच्चारण कर सकते हैं। इस तरह से 108 बार आपको करना है और उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ ही पलों के अंदर अंदर, या तो फिर निकी जो भी आपकी गर्लफ्रेंड है वो आपको कॉल करेंगी। अगर आप अपनी पत्नी पर इस उपाय को कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि अगले दिन से ही उनका व्यवहार बदल जाएगा, वो आपकी हर बात मानेंगी। अगर उनकी आपसे लड़ाई होती है, बहस होती है, तो ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और इस उपाय को आप करके देखिए दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा कारगर उपाय है। बहुत सारे लोगों ने इसे किया है और आपको भी इसका फल ज़रूर मिलेगा। अगर आपके कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो आपको, तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। हमारे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए।